नमस्कार, इंडिया ब्यूरो के हमारे स्पेशल टॉक शो इंडिया टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। इंडिया ब्यूरो के आज हमारे टॉक शो में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से जिन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीतकर एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से इंडिया ब्यूरो के हमारे टॉक शो इंडिया टॉक में। We're happy to have Deepak ji and Jaydeep ji on our show. Mr. Deepak, he's the founder of Enigma Event Management Company, company that organizes fashion shows and talent shows in various multiple cities in India and internationally. And Jaydeep ji is a businessman. He runs multiple companies in construction and fashion industry. Thank you for coming to our show, sir. Thank you. हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं जो इतने सारे फैशन शोज और टैलेंट शोज, रियलिटी शोज करती है। तो टेल अस आवर ऑडियंस, व्हाट डज एक्चुअली योर कंपनी डज? एक्चुअली आई एम रनिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सिंस फ्रॉम 16 इयर्स। मुंबई से हम लोग काम कर रहे हैं 16 साल से। हमने देखा है कि ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं मुंबई में जो बाहर से आते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमने ये सोच के एक चीज बनाई, कंपनी चालू की एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट। इसके जरिए हम लोगों को काम भी देते हैं, प्लेटफॉर्म भी देते हैं और शोज भी कराते हैं। तो ज्यादातर मैं फैशन शोज करता हूँ, नेशनल लेवल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे। रिसेंटली अभी हम लोग थाईलैंड करके आए हैं और अभी हम लोग करने जा रहे हैं नागपुर में एक एडवेंचरस फैशन शो जो जिसका नाम है मिस एंड मिसेज इंडिया सीजन 3, चेज द रेस उसको हमने बुलाया हुआ है। चेज द रेस इसलिए क्योंकि हम लोग जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे, उनको टास्क देंगे और प्लस शो में उतारेंगे ताकि क्या लोग कंफर्टेबल रहे हर एक चीज से। और हमारे हर एक टैलेंट ढूंढते हैं, जैसे सिंगिंग में कोई है तो सिंगर्स हम ढूंढते हैं, कोई अगर एक्टिंग में है तो हम एक्टर्स हम लोग ढूंढते हैं, कोई मॉडलिंग में है तो मॉडलिंग हम ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद उनको सिखाने के बाद फिर हम उसको एक एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो एग्जैक्ट एक जगह पर जाए। तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें कहाँ कहाँ से आते हैं? ये लोग आते हैं छोटे छोटे गांव से, हम लोग ज्यादातर पकड़ते हैं जैसे कि छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहां पे टैलेंट है, बसा हुआ है लेकिन उभर के नहीं आता है। तो हम वहां वहां जाते हैं, ऑडिशंस लेते हैं, ऑडिशंस के जरिए फिर उन टैलेंटों को हम मुंबई तक लेके आते हैं और दूसरे शहर जहां पे हमारे शोज होते हैं वहां पे लेके जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो इस आपके जो शोज होते हैं इसमें जो जीतता है, जो विनर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, उनको कहाँ कहाँ काम मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है? विनर्स जो होते हैं जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, सिखाने के बाद जो विनर्स बनते हैं, विनर्स बनने के बाद फिर क्या उनके लिए एक आगे हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जैसे कि अगर किसी का काम एक्टिंग में अच्छा है तो हम उसको एक्टिंग लाइन में डालते हैं, अगर किसी का काम मॉडलिंग में अच्छा है तो हम उसको मॉडलिंग के शोज देते हैं। एक्टिंग में उनकी डायलॉग डिलीवरी हम लोग देखते हैं कि उनकी डायलॉग डिलीवरीज कैसी है, उनकी एक्टिंग कैसी है, तो हम लोग यहाँ के जो मुंबई के कास्टिंग एजेंसीज हैं उसमें हम लोग उनका नाम रेफर करते हैं ताकि उसके थ्रू वो लोग एक सीरियल पकड़ लें या सीरियल में चले जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे बताइए दीपक जी, ये आपको व्हाट मोटिवेटेड यू एंड एक्साइटेड यू टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ फैशन शोज? मोटिवेटेड इसलिए हुआ था कि जब मैं देखता था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से हमने शुरुआत की थी, छोटे छोटे बच्चे हम देखते थे, इतने टैलेंटेड बच्चे होते थे और मैं लखनऊ ये सब जगह जाता था, वहां के जब उनका टैलेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वो लखनऊ है तो लखनऊ के अंदर ही घूम रहे हैं, कोई कानपुर में है तो कानपुर के अंदर ही घूम रहे हैं, बाहर उभर के नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों ने हमने वहां से निकाला है और हमने सीरियलों में डाला हुआ भी है जो आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे साथ में। आपके फ्यूचर शोज कहाँ कहाँ होने वाले हैं जरा उसके बारे में बताइए। फ्यूचर अभी हमारा 8 और 9 तारीख को हो रहा है हमारा नागपुर में, उसके बाद हमारा हो रहा है 15 अप्रैल को इंडोनेशिया बाली में हो रहा है, उसके बाद हमारा अगस्त में हो रहा है हमारा थाईलैंड में पटाया में। ये 3 जगह हमारे शोज अभी प्लान आउट है जो हम लोग कर रहे हैं और दूसरे शोज हमारा एक शिमला में है और एक छत्तीसगढ़ में है, वो भी हमारा प्लान आउट है। तो जो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमने एक स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वो स्क्रीन पे नंबर और ईमेल आईडी है, आप उसे देखिए, आप उस पे जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमारे साथ में आ सकता है।
तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जिनको जिनको इच्छा है कुछ करने की, कुछ गुजरने की, चाहे एक्टर बनना हो या सिंगर बनना हो या मॉडलिंग लाइन में आना हो, कि बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप उनमें अप्लाई करें, इनके शोज में पार्टिसिपेट करें, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने देखा हुआ है कि मिसेज जो मैरिड वुमेन होती हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है करने का, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है किसी भी चीज से, क्योंकि शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ये सोचते हैं कि घर में बैठे रहो, घर में काम करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने ऐसी बहुत सारी मिसेज को देखा हुआ है जो घर से बाहर निकल के आके उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है, टैलेंट दिखाने के बाद आज वो आगे भी बढ़ के जा चुकी है। तो मैं चाहता हूँ जो जिसके अंदर टैलेंट है, जो बच्चा बच्चे से लेके बड़े तक जिसके अंदर टैलेंट है, वो हमारे साथ में ज्वाइन हो। हमारे साथ में जयदीप भाई भी बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ में पार्टनर हैं, जो हमारे साथ में फाइनेंस भी करते हैं और शोज में हमारे साथ में हिस्सा भी लेते हैं। और इनके साथ में हमारे एक और पार्टनर हैं मिस्टर प्रदीप पारी, और हमारे इंटरनेशनल कोरियोग्राफर हैं मिस्टर मयूर दाव। वो सब ट्रेन करते हैं लोगों को कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, वो पूरी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। इसमें हम कोई कॉस्ट नहीं लेते किसी से भी, ये फ्री ऑफ चार्ज है। तो जिसके अंदर टैलेंट है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और कुछ फैशन शो और ये प्लेटफॉर्म के अलावा भी आपके कुछ और बिजनेसेस के बारे में? आगे जाके हमारा जो विनर होके आने वाले हैं, जैसे लास्ट पटाया से एक इवेंट हुआ हमारा, काफी शानदार और सक्सेसफुल इवेंट रहा है। हाँ जी। तो वो इवेंट में से भी हम लोग दो विनर रह चुके हैं। हाँ जी। तीन विनर है टोटल, तीन विनर रह चुके हैं। तो अभी आने वाली कुछ सीरियल्स है हमारी, टीवी सीरियल्स, तो उसके कुछ एपिसोड्स में हम उनको वर्किंग का चांस देने वाले। कौन से चैनल्स के लिए? नेशनल चैनल्स के लिए ही है। ओके। वो एक चार पांच महीने में सबको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। और उसके लिए भी हम एक अलग से एक गैदर करके सबको बताएंगे कि ये यहाँ से विनर होके आई थी। देन ये भी अभी जो शो हो रहा है उसमें से भी जो विनर रहेगा, देन बाली से जो विनर रहेगा, हर एक को हम लोग चांस देने वाले, क्योंकि दीपक भाई के साथ हमको वर्किंग हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ जी। और उनका इंटरेस्ट हमें काफी अच्छा लगा कि ये जो कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी। उससे हमें हेल्प करना है। यस। करके मैं और मेरे पार्टनर है मिस्टर प्रदीप पाली। हाँ जी। तो हम दोनों मिलके जब भी दीपक भाई का कोई इवेंट होता है या उनके कुछ भी इवेंट को लेकर कुछ समस्या होती है, तो हम उसके लिए खड़े रहते हैं। अभी नागपुर में भी है, हम नागपुर से बिलोंग करते हैं दोनों। हाँ जी। तो अभी नागपुर में जो शो हो रहा है उसका भी काफी दीपक भाई ने अच्छी अरेंजमेंट की हुई है। और जिसको भी नागपुर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है या बाली के इवेंट में या आने वाले दिसंबर तक काफी इवेंट चलने वाले, हर दो महीने बाद रहने वाले इवेंट, तो दीपक जी का नंबर दिया हुआ है। Yes. उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और नो डाउट आप कहीं यानी कोई भी एंगल से कहीं पर भी गलत इसमें आ नहीं रहे हो, एकदम परफेक्ट जगह दीपक भाई के साथ जुड़ रहे हो। तो मैं पार्टिसिपेट नहीं, एज अ पार्टनर करके ही सब लोग आएंगे। सही बात। और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे और कुछ अपने बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैसेज इतना ही कि आज जो आप न्यूज चैनल वालों ने हमें बुलाया यहाँ पर, वो बहुत अच्छा लगा। अपना आईबी न्यूज चैनल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी हमें यहाँ स्टूडियो में बुला के जो मान सम्मान दिया है उसके लिए काफी थैंक यू दीपक जी। आपने बहुमूल अपने बिजी स्केड्यूल से बहुमूल समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो पर आए। जयदीप जी वी टुक योर वैल्यूएबल टाइम एंड केम टू आवर स्टूडियो, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग आवर ऑडियंस अबाउट द नोबल कॉज दैट यू आर डूइंग एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द अपकमिंग टैलेंट्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो का हमारा खास टॉक शो इंडिया टॉक। इस टॉक शो में आप देख रहे थे आज की एक फेमस हस्ती के साथ एक मुलाकात। ऐसे ही फेमस हस्तियों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे इंडिया ब्यूरो के हमारे स्पेशल टॉक शो इंडिया टॉक में। तो देखते रहिए इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो। और हाँ, हमारी ताज़ा तरीन खबरों और टॉक शो से अपडेट रहने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।